अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्क दानकाश। और आज का हमारे पास क्वेश्चन है कि मैं ऑनलाइन कुछ करना चाहता हूँ और मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, बट मेरा कोई स्किल नहीं है, बस मेरी बेसिक इंग्लिश लेवल की कम्युनिकेशन है। तो मैं क्या करूँ ऐसा जिसके अंदर कोई ख़ास स्किल नहीं रिक्वायर्ड और बेसिक कम्युनिकेशन के साथ किया जा सकता है? तो बेहतरीन तरीका जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं और जिसके लिए ज़्यादा आपको स्किल भी नहीं रिक्वायर्ड और आपका बेसिक कम्युनिकेशन ठीक है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं और ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिसको सीखने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है, इजीली आप उसका कोर्स 2 से 3 महीने में कर सकते हैं और साथ साथ आप बेशक अपने आप को लेटेस्ट ब्लॉग्स और लेटेस्ट चीज़ों से सब्सक्राइब्ड रखेंगे, तो साथ साथ जो भी इंडस्ट्री में ट्रेंड्स आते रहेंगे आप उनको भी साथ साथ पढ़ते रहोगे। सो डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्यों कह रही हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं जो इंटरनेट पर किए जा सकते हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग 2020 में टॉप डिमांडेड स्किल है। रिसर्च के मुताबिक, जो रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने, उसके मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत हाई डिमांड स्किल्स होने वाले हैं आने वाले सालों में। तो अगर आप अभी अपने आप को इस स्किल के साथ इक्विप कर लेते हैं तो इनिशियली आपको 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली आप एक बेटर एंड बेस्ट एंड एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। और उस वक्त, फॉर एग्जांपल, आज आपने सीखा, आज से 2 साल बाद आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हैं, तो उस वक्त 2 साल बाद एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर को बहुत हाई पे भी मिल रहा होगा। लोग एक इंस्टाग्राम ऐड सेटअप करने के लिए उसको कितने सारे अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे होंगे। एक सिंपल फेसबुक ऐड कैंपेन प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड किसी प्रोफेशनल से रन करवाने के लिए लोग कोई सिग्निफिकेंट कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार होता है। सो यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इट्स ईजी, इट्स सिंपल। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन में ही सब कुछ आ जाएगा, बट अगर आप स्टेप बाई स्टेप कोर्स लेते हैं, बेस्ट वे यही है कि आप कोई कोर्स ले रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो आपको सिखाती नहीं है। और ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नील पटेल का ब्लॉग है, मौज है और गैरी वे, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप एक कोर्स ले लेंगे, बेशक किसी का भी ले लें, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, उसमें इंट्रो होगा, फिर स्टेप्स होंगे कि अब आपने SEO कैसे सीखनी है, SMO कैसे सीखनी है, फेसबुक पे क्या करना है, इंस्टाग्राम पे क्या करना है। डिफरेंट जगहों से सीखने से ये होगा कि आप एक ट्रैक पे नहीं रहेंगे, एक प्रोग्रेस नहीं हो सकेगा आपका। सो आप डिजिटल मार्केटिंग एक प्रॉपर कोर्स में इनरोल करके सीखें और यू विल सी कि ये एक बेस्ट स्किल है, क्योंकि उसमें आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभी आप सीखेंगे, फिर आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। ये ऐसा स्किल है जो जितना करते जाओ उतना बेहतर आता जाता है। जितनी आप ऐड कैंपेन सेटअप करेंगे, इवेंचुअली आपको पता चलता जाएगा कि दिस वर्क्स एंड दिस डजंट। फला में मैंने इमेज और टेक्स्ट की ये रेशियो रखी थी इसलिए ये काम किया था, फिर मैंने इसमें ये डेमोग्राफिक्स या ये साइकोग्राफिक्स सेलेक्ट किए थे इसलिए ये काम नहीं किया था या किया था। सो जो भी आपका चीज़ है, अगर आप बिगिनर हैं और आप इसी फील्ड में आना चाहते हैं IT की, और आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में और आपके पास कोई इस तरह का स्किल नहीं है प्रोग्रामिंग टाइप, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग ही सीखें, क्योंकि ये हाईली प्रॉफिटेबल है और हाईली इन डिमांड स्किल है। और उसका कंप्लीट कोर्स आप हमसे भी ले सकते हैं, हमारे कोर्स में इनरोल कर लें या किसी और के कोर्स में इनरोल कर लें, जैसा आपको सूट करे, लेकिन एक कंप्लीट कोर्स लें ताकि आप अपनी स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रेस देख सकें।